आज की क्लास में हम लोग अंडरस्टैंडिंग नॉइज जनरेटर एंड इट्स एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। यहाँ देखिए एक इनपुट सिग्नल दिया जाएगा और इधर से हम लोग एक नॉइज सिग्नल देंगे, दोनों का जो सम आएगा वो देखेंगे कि क्या होता है। आइए सर्किट पे आइए। अब देखिए ये आपका सिग्नल जनरेटर है, यहाँ देखिए रैंडम सिग्नल, साइन वेव, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, आर्बिट्रेरी, ये सिग्नल दिया गया। ये सिग्नल यहाँ होते हुए यहाँ से सिग्नल लेवल को हम घटा बढ़ा सकते हैं इस वाले से, और ये यहाँ चला गया ये समेशन पे। नॉइज में देखिए, नॉइज में कितने टाइप की नॉइज है, वाइट नॉइज, एडिटिव वाइट नॉइज, पीरियोडिक रैंडम नॉइज, तीन टाइप से। यहाँ भी नॉइज का लेवल इस नॉब से बढ़ा सकते हैं। अब ये देखिए ये जो आउटपुट है और ये ग्राउंड है, दोनों कहाँ आ रहा है, ये CRO ऑसिलोस्कोप के एक पोर्ट पर। ये देखिए ये वायर कहाँ जा रहा है, ये सीधे जा रहा है पोर्ट नंबर 2 पर, तो एज ए आउटपुट है। और ये वाला जो पोर्ट है, ये वाला पोर्ट जो है, ये वायर जो है, चूँकि ये सिग्नल जनरेटर का इनपुट यहीं से होते हुए जा रहा है, तो एक पिन मैंने रेड वाला यहाँ लगा दिया है और दूसरा जो ग्राउंड है, दूसरा जो फ्री है ये वाला, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है। तो इस तरह से अब देखिए अभी हमने क्या सिग्नल दिया है, अभी हमने सिग्नल दिया है आर्बिट्रेरी। ये देखिए ये LED ग्लो कर रही है ना, आर्बिट्रेरी, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी 1.2 किलोहर्ट्ज़, और नॉइज का लेवल जो भी हो घटा बढ़ा दें अपने हिसाब से, यहाँ हमने रखा है और सिग्नल लेवल ये है। अब देखिए क्या आउटपुट आ रहा है आपका, ये आ रहा है। अब इसको अगर चला दिया जाए तो ये आएगा। बाकी अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से सिग्नल चेंज कर रहे हैं, हमने साइन वेव दे दिया, साइन वेव के केस में यहाँ साइन दिया। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, ये ग्राफ आ जा रहा है, ठीक है, साइन वेव के केस में। अगेन अगर यहाँ चाहें आप बदल सकते हैं, नहीं ये तो स्टॉप करने के लिए, रन या स्टॉप करने के लिए, यहाँ से सिग्नल बदल दीजिए, यहाँ से स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ से आपका स्क्वायर करने पे ये वाला ग्राफ आ गया, ठीक, यहाँ से आपने स्क्वायर किया, ये स्क्वायर है। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज किया, अगर चाहे तो आप फ्रीक्वेंसी भी बदल सकते हैं, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बदलेंगे और बदल गया, ठीक है, ये आ गया, और फ्रीक्वेंसी में बदल रहा हूँ और बड़ा हो गया, ठीक है, स्क्वायर वेव है, चीज़ वही है, बट आपने इस वाले पॉइंट पर चले गए 4.8 पे, ऐसे देखिए, फिर आप फ्रीक्वेंसी बदल दीजिए, तो ये वाला ये केस आ गया, ठीक है। अब हमने ये साइन की स्क्वायर की जगह हम लोग ट्रायंगुलर वाला केस देख रहे हैं, और स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसी ट्रायंगुलर वाले में ये आपका आ जाएगा। इसको और थोड़ा ठीक है, अब यहाँ से और बदल दीजिए, आर्बिट्रेरी वाले केस में इस तरह आ रहा है। तो मतलब अब यहाँ से नॉइज़ का लेवल बढ़ा के भी हम अगर इस चीज़ को चेंज करेंगे तो देखिए कैसे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट है, नॉइज़ मिक्स होने पे क्या आ रहा है। बाकी और देखिए ये साइन वाला है, साइन वाले केस में अब यहाँ से अगर नॉइज़ बढ़ाइए, देखिए ये वाला नॉइज़ है, यहाँ से हमने इंक्रीज किया, देखिए कैसे बढ़ता जा रहा, कम होने पर कम रहा, ठीक है। तो मतलब साइन के ग्राफ पे अगर नॉइज सिग्नल डाला जाए, यहाँ नॉइज अभी हमने वाइट नॉइज लिया है, तो ऐसे ही नॉइज को भी बदल सकते हैं, यहाँ से ये इसको दबाएंगे तो नॉइज बदलेगा, नॉइज बदल गया, इस तरह ग्राफ आ गया, ठीक है, तीन टाइप की नॉइज यहाँ दी गई है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सपेरिमेंट वेरीफाई होता है। तो ये आपका आ गया लेवल, अगर आप कम करेंगे तो ये कम आ जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, एकदम अगर नॉइज जीरो कर देंगे, देखिए एडिटो वही ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ वेरीफाई होता है। थोड़ा सा नॉइज बढ़ा दिया जाए, ये स्टॉप करने के लिए, ठीक है, थैंक यू।